दोस्तों, जियो गीगा फाइबर रिव्यू 3 यानी यह हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे जियो गीगा फाइबर के प्लान्स के बारे में और इन प्लान्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे, और इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको यह जियो गीगा फाइबर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। पहले दो वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं 5 सितंबर को, यानी अब से करीब 1 महीना पहले, जब जियो गीगा फाइबर ने अपने प्लान्स लॉन्च किए थे। और देखते हैं ट्विटर पर इसका क्या रिएक्शन था। ये जो है, ये 5 सितंबर का लिंक है। जब ये 5 सितंबर है, आप देख सकते हैं जब जियो गीगा फाइबर ने ये लॉन्च किया था कि जियो फाइबर इज़ हेयर। तो अब इसके बाद क्या हुआ था, काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया था। और उसके बाद अब देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन था। हम जो है पहले पहले से बात करते हैं। तो तनिष्क पांडे जी ने बताया है कि 150 GB FUP। FUP का मतलब ये हुआ कि 150 GB के बाद जियो गीगा फाइबर की स्पीड कम हो जाती है। अभी हम लोग देखेंगे प्लान्स इसके क्या हैं। इसका कहना है कि माई डेली कंजम्पशन इज़ ऑफ 40 GB, मतलब ये रोज़ 40 GB इस्तेमाल करते हैं, और इनको कम से कम 1000 GB चाहिए था जियो से, जो कि जियो नहीं दे पाया है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इतना अच्छा फाइबर नेटवर्क बनाने का क्या फ़ायदा है जब FUP ही देना है, इससे अच्छा तो लोकल ISP है। लोकल ISP मतलब जैसे जो बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं हैं जो लोकली काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी एक शहर में है या किसी एक स्टेट में है। तो ये सब जो आप और जो भी आप ये सब रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये जैसे इसने बताया है कि ACT फाइबर नेट, ये एक तरह का जो है लोकल ISP है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए, ये कोलकाता में क्या कहते हैं कि 60 MBPS की स्पीड आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के मतलब ऐसे रिएक्शन है भाई। जल्दी से कुछ वीडियो जैसे ये है आफ्टर सीइंग दिस प्लान्स। तो देखिए ये कैसे रो रही है, और उसके बाद जो है अगर कैसे लोग डिसअपॉइंट हुए थे इन प्लान्स को देखने के बाद। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये वीडियो तो पाँच, ये जो पोस्ट है ये 5 तारीख की थी, तो ये वीडियो हमने 5 तारीख को ही क्यों नहीं पोस्ट किया? क्योंकि जियो ने जो प्लान्स निकाले थे, ये आप जियो के प्लान्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे जियो के प्लान्स। तो अब मुझे लगा कि जो प्लान्स हैं उनको जियो चेंज करेगा या कुछ अनाउंसमेंट देखा। आप इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने कस्टमर केयर से भी पूछा कि जो है, जो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो ये कंटेंट आएगा आपका, जो गेमिंग आएगी, टीवी वीडियो कॉलिंग आएगी, और ये जो है 4K सेट टॉप बॉक्स है ये दिया जाएगा, तो ये कब दिया जाएगा? तो उनके पास जवाब था कि अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीरीज़ का सेकंड पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक से। तो ये अब जियो के प्लान्स हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जो सबसे मिनिमम प्लान है इसका, ये 699 का है। तो ये 699 का प्लान है, ठीक है, 699 ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। बट इसमें क्या है कि 100 GB आपको मिल रहा है प्लस 50 GB एक्स्ट्रा, मान के चलिए 150 GB आपको मिलता है। और उसके बाद जो है 1 MBPS की आपकी जो है लिमिट हो जाती है। मतलब पहले आप 100 MBPS पे चला रहे थे, 100 से सीधे 1 पे आ जाएंगे, तो सोचिए आपको कितना ड्रॉप मिलेगा स्पीड में। और एक और जो मेन चीज़ है, जियो ने क्या किया है, जैसे जब जियो स्टार्टिंग में आया था, जब उसने सिम बेचना शुरू किया था, और तो इसने बाज़ार में तहलका मचा दिया था, और जियो की वजह से ही बाकी लोगों को भी अपने जो प्लान, वो जो एनुअल प्लान या मंथली प्लान्स थे या जो भी रेट्स थे, उनको नीचे करना पड़ा था। बट इस बार जियो ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये लोग जो लोकल ISPs हैं उनसे बहुत महंगा दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं, अगर जियो आपको लगवाना है, जो कि अमाउंट हमने भी दिया था 2500 अमाउंट दिया था, इसमें ये लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और नॉन अफोर्डेबल इंस्टॉलिंग है। तो 1000 रुपये अगर हम लोग मान लीजिए जियो कटवाते हैं, जो कि हो सकता है हम लोग ऐसा डिसीज़न लें अगर ये जियो नहीं हटाता है तो। हाँ जी हाँ, ध्यान दीजिए, हम लोग हो सकता है जियो को हटाने का भी डिसीज़न ले सकते हैं अगर जियो ये प्लान्स नहीं चेंज करता है। काश ये बात मुकेश अंबानी या फिर जो है जियो की टीम या अनंत या किसी के पास भी पहुँच जाए, और हो सके तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात उन तक पहुंच सके।
तो अब ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 699 का ये प्लान है। मिनिमम, हम पहले हम मिनिमम की बात करते हैं और एक मैक्सिमम की बात करेंगे। तो 699 के प्लान में जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए लिखा है GST एडिशनल ऑन ऑल प्लान्स एज एप्लीकेबल। तो अगर हम GST का कुछ कैलकुलेशन लेते हैं तो ये जो 699 वाला प्लान है ये 824 रुपीज़ का पड़ेगा। अब 824 रुपीज़ में ये जो स्पीड और ये जो FUP ये सब चीज़ें हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। देखिए ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और अब TV भी मिलेगी उसमें, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, तब उसमें कैसे क्या मिलेगा आप इसको देखिए, कि VR एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, प्रीमियम कंटेंट भी नहीं मिलेगा, है ना। अब TV में क्या मिलेगा क्या नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं, 3 मंथ्स इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जियो सिनेमा एंड जियो सावन, जो जियो सावन की ऐप है, जियो सिनेमा जो आपको वैसे भी मिल जाती है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे जियो का सिम है तो आपको वैसे मिलती है, फिर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको इसके लिए एनुअल प्लान लेना पड़ेगा 8388। जब आप 8388 देंगे तो ये एक ब्लूटूथ स्पीकर दे देंगे जिसका MRP ये लोग बता रहे हैं कि इतना है, बट आपको इतना रुपए देने पड़ेंगे तब आपको जो है इसमें जो दी गई सर्विसेज थी वो आप अवेल कर पाएंगे। तो अब ये इसमें एक और चीज़ क्या लिखी है, अगर OTT आपको लेना है तो 3 मंथ्स का आपको लेना पड़ेगा। अभी 3 मंथ्स का क्या मतलब है, ये मान के चलिए ये जो जियो के प्लान्स है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये प्री पेड प्लान्स है। तो मतलब 824 या 800 हम राउंड ऑफ में मान लेते हैं, 700 ही मान लेते हैं, तो 7 3 21, 2100 रुपये आपको पहले ही देने पड़ेंगे, तब जाके आप ये करेंगे। और जो अभी हम लोग का, जो हम लोग के यहाँ वीडियोकॉन DTH लगा हुआ है, तो उसमें आप करीब 2100-2200 में आप पूरे साल का चला सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर अब इसमें जो है 2100 आपको ये देने पड़ेंगे, ब्रॉडबैंड का भी बिल बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल जो ये देखा जाए कि ये पैकेज क्या ये सही है कि नहीं सही है, तो शायद ये सही नहीं है, इस वजह से लोगों का ये रिएक्शन आया था। देखिए अब हम लोग दोबारा लोगों के रिएक्शन पे आते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए, आई गेट 500 GB एट 885 पर मंथ, 100 MBPS विद जियो फाइबर, डिसअपॉइंटेड। तो अब ये लोगों का एक्चुअली रिएक्शन है, ये लोगों का रिएक्शन है ये, इसमें ये लोगों का आप देख सकते हैं जो है 700 पर मंथ, ये इन्होंने BS शर्मा जी ने बताया, 700 पर मंथ इज़ रादर मच मोर अमाउंट फॉर पुअर, गरीब लोगों के लिए ज़्यादा अमाउंट है ना। तो इसमें जो है कई लोगों ने, अब जियो का किसी ने इसमें रिप्लाई नहीं किया है जो इन लोगों ने लिए, बट हाँ अगर किसी ने बोला है कि हमको लगवाना चाहते हैं तो स्लो नेटवर्क स्पीड जैसे बोला है, तो इन्होंने ये बताया है कि आप उसका जो है स्क्रीनशॉट भेजिए। और जो है तो हालांकि रिया जी हैं, पहली रिया जी मिली है हमें, तो इन्होंने बताया है कि हम जियो लगवाना चाहेंगे, तो इन्होंने फिर उसको रिप्लाई किया है जियो केयर ने, ठीक है। तो जो है ये जिन लोगों ने बोला है कि हाँ हम लगवाना चाह रहे हैं, उसको जियो केयर ने रिप्लाई किया है, ठीक है। अब दूसरे उस पर आते हैं, ये भी 5 सितंबर का ही ट्वीट था रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो ने 5 सितंबर को 2-3 ट्वीट्स किए थे, तो उसके बाद भी देखिए लोगों का क्या रिएक्शन था कि मतलब मैंने आपको ये देखिए कह रहे हैं, मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि हमने पहले आपको रिक्वेस्ट भेजी थी कनेक्शन की, अब जो है रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दीजिए, मतलब हम नहीं लगवाना चाहते हैं, तो ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद जो है केरला विजन, किसी ने केरला विजन ब्रॉडबैंड जो है उसके प्लान्स बताए हैं, तो ये देखिए आप जो है FUP ये सब प्लान्स आप देख सकते हैं। तो 799 में ये 600 GB के FUP दे रहे हैं, जो जियो 150 GB दे रहा है, तो वो इसमें लिखा हुआ है। और भी लोगों ने जो है मतलब अगर हम कुछ ढूंढने कोशिश करते हैं तो ये देखिए, अब एक्चुअली बेसिकली हम लोग यही ऐसे ही मीम्स देखेंगे, तो लोगों ने बेसिकली ये मीम्स सोशल मीडिया पे ऐसे शेयर करना शुरू किया था, है ना। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये देखिए तो ऐसे ऐसे मीम्स सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर हो रहे थे उस दिन जब जो है जियो ने ये प्लान्स लॉन्च किए थे। और जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों ने उसी टाइम ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मतलब हम लोगों ने ये अपेक्षा की थी कि जो है जियो को मतलब इतना सेंस होगा कि हाँ वो ये प्लान्स जो हैं मतलब शायद चेंज करे या उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, बट अभी तक आज 5 तारीख हो चुकी है, 1 महीना बीत चुका है, बट उसके बावजूद ऐसा कुछ जो है आया नहीं है प्लान्स में चेंज होना चाहिए। तो ये थे जो लोगों के रिव्यूज़ थे, और अब आइए जल्दी से दोबारा प्लान्स पे आ जाते हैं और प्लान्स पे देखते हैं क्या थे इसके प्लान्स। और अपनी AGM में इन लोगों ने ये भी अनाउंस किया था कि ये लोग TV देंगे,
तो अब टीवी के लिए क्या करना है, देखिए अगर आपको टीवी, ये देखिए पहले हम लोग ये नो मोर पे, आप ये इसके प्लान्स में जाके जब नो मोर में जाएंगे तो यहाँ तो आपको ब्लूटूथ स्पीकर ही मिलेगा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको HD टीवी मिलेगी 24 इंच की, MRP दे रखा है 12,990 की, 90 की। लेकिन उसके लिए पहले आपको जियो को 31,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब पहले कंपनी आपसे रुपये ले लेगी, फिर आपको साल भर जो है ब्रॉडबैंड सर्विस देगी और एक टीवी देगी, ठीक है। तो अब देखते हैं 24 इंच की टीवी, HD टीवी कितने की मिलेगी। तो ये देखिए फ्लिपकार्ट पे हमने खोला 24 इंच स्मार्ट LED टीवी डाला अगर, तो ये आप देख सकते हैं 24 इंच की टीवीज ऑल दो बहुत कम आती हैं। तो ये जो टीवी है ये 6490 की है। और एक चीज़ और देखने वाली है कि MI की जो LED टीवी है 43 इंच, जो जियो कितने में दे रहा है, अब आप देखते हैं। ये देखिए जियो जियो जो है इसको टाइटेनियम प्लान में दे रहा है। टाइटेनियम प्लान में क्या दे रहा है कि MRP 44,990 की बता रहा है, और ये कह रहा है कि आप हमको पहले 1,01,998 रुपये दे दीजिए और पूरे साल भर के लिए हम उसको रखेंगे, और फिर आपको हम एक 4K टीवी देंगे जिसका MRP ये हो। अब आप देख सकते हैं 4K टीवी जो है 19,999 की आराम से मिल जाएगी। पैनासोनिक की आपकी 49 इंचेस की, ये 43 इंचेस की दे रहे हैं आप देखिए, बट पैनासोनिक की इतने की आराम से मिल जाएगी। और 24 इंच की जो टीवीज़ हैं, 24 इंच की ऑल दो टीवीज़ मतलब बहुत कम आती हैं, तो फिर भी 24 इंच की अगर आप टीवी लेना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने डाला तो 24 इंच की ये टीवी बहुत मतलब आपको 11,499 में आपको MI की स्मार्ट टीवी मिल रही है। तो अब ये 24 इंच की टीवी मतलब क्या समझ के दे रहे हैं, केवल HD टीवी दे रहे हैं, उसका MRP भी 12,990 बता रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये अब मतलब रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी ऐसा करे जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो। अब एक ऑप्शन ये, एक बात ये हो सकती है कि हो सकता है रिलायंस जो जो उसने रिलायंस जियो के जो सिम जब उसने लॉन्च किया था, तो उसने ये हम लोग मोबिलिटी में जाते हैं रिलायंस की, तो अभी जो ये सिम इन्होंने लॉन्च किया था, ये सब चीज़ें लॉन्च की थी, तो हो सकता है इसको उन्होंने लॉस पे बेचा हो, तो उसका लॉस ये कवर करना चाह रहे हो। लेकिन अब भाई लॉस अगर आपको कवर करना है तो इतने मतलब ऐसा ये विदाउट कॉमन सेंस वाली चीज़ें करके तो लॉस कवर नहीं किया जा सकता है। और आप लोगों ने रिएक्शन देख ही लिया था सोशल मीडिया पे क्या रहा है। अब इसमें इन लोगों ने ये जब आप देखेंगे तो इस पे देखिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बट ये कब आ रही हैं, आपसे 1 महीना बीत चुका है और इसका कोई भी अभी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, और जैसे ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ आएगी हम आपको बताएंगे। तो अब अभी के लिए फ़िलहाल वॉक्सी टॉक्सी का क्या रिकमेंडेशन है इन प्लान्स को देखने के बाद, तो अभी तो हम आपसे यही कहेंगे कि अभी जब तक ये प्लान्स लॉन्च नहीं हो जाते हैं तब तक आप जो है 2,500 रुपये दे के फ्री में, एक तरह से जब जियो का सिम आया था तो ये था कि हाँ चलो फ्री में सिम मिल जाएगा, अब कॉल लगे ना लगे क्या जाता है अपना, तो इस वजह से लिया था लोगों ने, हमने भी जियो का सिम लिया था कि चलो ठीक है, उसमें भी हम लोग को याद है कि जैसे कई बार 5 बार 10 बार 15 बार कॉल लगानी पड़ती थी, नहीं मिलती थी, चलो ठीक है वो फ्री का था, बट यहाँ पे क्या है आपको 2,500 रुपये देने पड़ रहे हैं, है ना। ऑल दो ये लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये रिफंडेबल हो जाएगा 1,500 रुपये, बट फिर भी आपको 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। और इनका प्लान जब लॉन्च हो जाएगा तब ये 3 मंथ्स लिखा हुआ है, तो ये 3 मंथ्स का मतलब, और वो भी प्रीपेड है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा 3 महीने के पैसे एक साथ देने पड़ेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से जब तक जियो के प्लान्स लॉन्च ना हो जाएं, जब तक ये लोग ये जो ये अब इन्होंने यहाँ पे स्टार तो नहीं लगा रखा है, बट ये स्टार ही है एक तरह का कि यहाँ पे इन्होंने ये नोट्स में इसमें ये सब चीज़ें डाल दी हैं, तो जब तक ये लोग ट्रांसपेरेंसी से ये सब प्लान्स ना बता दें, जब तक ये ना बता दें कि कब कौन सी चीज़ आ जाएगी, एग्जैक्ट डेट बता दें कि हाँ इस डेट तक ये लॉन्च हो जाएगा, तब तक हमारे हिसाब से आपको ये जियो गीगा फाइबर से बचना चाहिए। और रही बात स्पीड की, तो स्पीड तो इसकी सही आती है, बट स्पीड भी जब सिम लॉन्च हुआ था जब जियो के, तो उस टाइम जो है स्पीड सही आती थी स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे जियो के सिम्स बढ़े तो जियो की स्पीड भी कम हो गई, और उसके बाद जो है अब जियो के काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो लोग मोबाइल पे ही यूज़ करते हैं। तो अब जो भी ब्रॉडबैंड लगवाता है, आप लोग जियो के जो लोग हैं वो ध्यान रखें कि जो ब्रॉडबैंड लगवाता है उसमें ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं जिनको ज़्यादा डेटा चाहिए होता है, और FUP लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है। FUP ऑल दो एयरटेल में भी है, बट फिर भी FUP लोगों को उतना पसंद नहीं आता है। आप जियो से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि कोई FUP ना हो और वो दे, बट जियो ने यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। तो
तो हम लोग तो यही कहेंगे कि आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक जियो के प्लान्स ना लॉन्च हो जाए।